रिपोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका। तो अगर आप दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जो रास्ता है वो काफ़ी आसान हो गया है। जी हाँ, अब आप पटना से दिल्ली महज 12 घंटे में पहुँच जाएंगे। पहले के मुकाबले पूरे 2 घंटे कम समय में पटना से दिल्ली का सफ़र तय किया जा सकेगा। संपूर्ण क्रांति की स्पीड बढ़ गई है और इसका टाइम टेबल जो है वो चेंज हो गया है। अब आपको दिल्ली जाने के लिए पटना जंक्शन जल्दी पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप ट्रेन को यहाँ से 7:50 में पकड़ सकते हैं। और साथ ही साथ दिल्ली जाने वाली एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेन विक्रमशिला जो एक्सप्रेस है उसकी भी स्पीड बढ़ गई है और उसका भी जो टाइम टेबल है वो चेंज हो गया है। रेलवे की ओर से झाझा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच रेलवे ट्रैक को बेहतर बनाया गया है। सिग्नल सिस्टम को दुरुस्त किया गया है। सिग्नल सिस्टम को आधुनिक और ऑटोमेटिक किया गया है। इसकी संरक्षा में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। सारे पुल पुलियों के पुराने जर्जर गाजर बदल लिए गए हैं। इससे ट्रेन की जो गति है अब 110 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ करके 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। इसका जो फायदा है वो ट्रेनों के परिचालन पर पड़ने लगा है। तो रिजल्ट ये है कि ट्रेनों की गति बढ़ गई है और टाइम टेबल पर भी असर देखने को मिलने लगा है। राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली को जाने वाली 02393 संपूर्ण क्रांति स्पेशल ट्रेन जो है वो अब पटना से नई दिल्ली की दूरी मात्र 12 घंटे में ही तय कर लेगी, जबकि पहले ये लगभग 14 घंटे में पहुंचती थी। तो 2 घंटा का कहीं ना कहीं आपको मुनाफा मिलने वाला है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस अब राजेंद्र नगर टर्मिनल से शाम 5:45 पर के बजाय 7:25 पर रवाना होगी। पटना जंक्शन से ये 7:50 रवाना होगी तथा दूसरे दिन सुबह 7:55 पर नई दिल्ली पहुंच जाएगी। इस तरह से अब में ये 2 घंटे बाद पटना जंक्शन से खुलेगी और अपने पुराने समय से ही DDU 22:22 पहुंच जाएगी। DDU से ये पुराने समय 22:32 प्रस्थान करेगी। कानपुर 2:25 रात को पहुंचेगी। नई दिल्ली अपने पुराने समय 7:55 पर पहुंचेगी। तो अब राजधानी एक्सप्रेस के पीछे पीछे उसी गति से चलते रहेगी। हालांकि वापसी में ये ट्रेन अपने पुराने समय सारणी से ही चलती रहेगी, नहीं रिटर्निंग में कहीं ना कहीं सब कुछ सेम रहेगा। भागलपुर से आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस के टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया है। ये ट्रेन अब भागलपुर से 11:15 के बजाय 11:50 पर आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना होगी। पटना जंक्शन पर ये पुराने समय से ही खुलेगी, यानी कि पुराने समय पर ही पहुंचेगी जो उसका टाइम था। आनंद विहार से भागलपुर के लिए भी ये लगभग 3:30 के दिन प्रस्थान कर सकती है। पटना जंक्शन पर ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 पहुंच सकती है। और अभी यहाँ जहाँ 12:25 पर भागलपुर पहुंचती है तो वो अब 8:15 पर भागलपुर पहुँच जाएगी। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेबल्स में चेंज हुआ है। और ठीक बात है जो कहते हैं कि दिल्ली अब दूर नहीं, तो वाकई में यही बात हुई है कि दिल्ली अब हम सब के लिए दूर नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिकों को दीजिए इजाज़त।